गुड मॉर्निंग गाइस, दिस इज़ रणवीर शाही। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कि किसी भी राउटर का कॉन्फ़िगरेशन कैसे करते हैं। तो चलिए सीख लेते हैं कि कोई भी राउटर हो, वह वायरलेस राउटर हो या केबल राउटर हो, किसी भी तरह के राउटर्स को हम कैसे कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, कैसे यूज़र नेम चेंज कर सकते हैं, यूज़र पासवर्ड कैसे बदल सकते हैं, SSID को कैसे हाइड कर सकते हैं, और भी बहुत सारे ऑप्शंस के बारे में हम सीखेंगे। यहाँ तक कि मैं बताना चाहूँगा दोस्तों कि कभी कभी हम वायरलेस राउटर का जो इस्तेमाल करते हैं उसके ज़रिए हम कई सारे कंप्यूटर्स को भी कनेक्ट कर सकते हैं वाईफाई के ज़रिए। तो चलिए सीखते हैं किसी भी राउटर को कॉन्फ़िगर करना। चलिए, मेरे पास एक GFI का वायरलेस राउटर है, तो इसकी मैं कॉन्फ़िगर करूँगा। और सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि आपको फर्स्ट प्रोसेस क्या फॉलोअप करने पड़ेंगे। सबसे पहले आप अपने सिस्टम में इंटरनेट एक्सप्लोरर और क्रोम ब्राउज़र और फायरफॉक्स कोई भी ब्राउज़र ओपन कर लीजिए। चलिए, मैं यहाँ पे क्रोम ओपन है और मैंने अपनी डिवाइस की IP एड्रेस यहाँ पे हमें डालना है, जो है 192.168.11, ऐसे एंटर करना है। एंटर करते ही दोस्तों कुछ इस तरीके की वेब पेजेस आपको इंटरफेस मिल जाएगा, और इस इंटरफेस में आपको यहाँ पे राइट अपर कॉर्नर में, राइट साइड में यहाँ पे लॉगिन ऑप्शन है, आपको यहाँ से लॉगिन पे क्लिक करना है। करते ही आपको यहाँ पे यूज़र नेम और पासवर्ड देगा। तो कभी कभी क्या होता है दोस्तों कि जैसे ही आप राउटर परचेज करते हो तो आपके राउटर के बैक साइड में यूज़र नेम और यूज़र पासवर्ड दिया गया होता है। जैसे कि कुछ बहुत सारे राउटर्स में जैसे user ID एडमिन होता है, यूज़र पासवर्ड भी एडमिन होता है। देन आप उसके ज़रिए लॉगिन कर सकते हो। देन कॉन्फ़िगर करते समय आप अलग से यूज़र, अलग से पासवर्ड एंटर कर सकते हो, जैसा कि मैंने ऑलरेडी कर दिया है। तो चलिए, मैं यहाँ पे यूज़र नेम और पासवर्ड ऑलरेडी एंटर कर चुका हूँ। यहाँ से मैं डायरेक्टली लॉगिन करता हूँ। लॉगिन करने के बाद मेरी सेटिंग्स पेजेस आ जाएंगे, और सेटिंग्स पेजेस में देखिए आपको यहाँ पे सेटिंग्स ऑप्शन दिख रहे हैं, यहाँ पे आपको क्लिक करने हैं। और क्लिक करने के बाद आप लेफ़्ट साइड में देखेंगे कि बहुत सारे LAN या वायरलेस नेटवर्क के बहुत सारे ऑप्शन हैं यहाँ पे, जैसे LTE नेटवर्क्स, वाईफाई, स्टोरेज, यूज़र मैनेजमेंट, फॉर्मेट अपग्रेड, गेमिंग एंड एप्स मैनेजमेंट, WPS एडवांस। तो सबसे पहले हम बात करेंगे नेटवर्क्स। यहाँ पे देखिए नेटवर्क्स के अंदर इंटरनेट प्रोटोकॉल सेटिंग्स है, जिसका होस्ट नेम है M2-A90BA7, और यहाँ की होस्ट IP एड्रेस है 192.168.1.1, जो कि ये मेरी डिवाइस की IP एड्रेस होती है। और यहाँ से देखिए यहाँ की कुछ फिजिकल एड्रेस, जिसको हम MAC एड्रेस के नाम से जानते हैं, चाहे तो आप फिल्ट्रेशन डिसेबल है इसको इनेबल कर सकते हैं। और यहाँ से सबसे पहले थर्ड ऑप्शन पे वाईफाई, तो वाईफाई के क्लिक करते ही वाईफाई ऑप्शन में सबसे पहले वाईफाई की जो फर्स्ट सेटिंग है SSID नेटवर्क्स का नेम होता है, जो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी टेक रखा हुआ है। मैं इसको चलिए चेंज कर देता हूँ, और चेंज करने के बाद मैं यहाँ पे कुछ नाम दे देता हूँ। सपोज करिए मैं अपना ही नाम दे देता हूँ। चलिए, मैंने नाम दे दिया रणवीर शाही। और वायरलेस की देखिए यहाँ पे कुछ और भी ऑप्शंस होते हैं, जैसे वायरलेस, WPA, PSK2 या सिक्योरिटी टाइप कुछ होती है। तो बाय डिफ़ॉल्ट ये ऑलरेडी सेट है WPA2। और यहाँ से हमको सिक्योरिटी की में जाना है, और सिक्योरिटी की जो है यहाँ पे देखिए capital U@shahi786 है। तो चलिए मैं यहाँ से कुछ चेंजेस कर देता हूँ और capital T कर देता हूँ मैं, और चैनल मोड ऐसे ही रहेगा SSID ब्रॉडकास्ट। अभी मैंने दोस्तों पिछली वीडियो में बताया कि आप अपने SSID मतलब किसी भी नेटवर्क्स, किसी भी वाईफाई नेटवर्क्स नेम को हाइड कर सकते हैं, ताकि आपके जो अगल बगल जो हैकर्स हैं या आपके दोस्त हैं जिनसे आप बहुत परेशान हैं, तो उनसे बचने के लिए आप अपने SSID नेटवर्क नेम को हाइड कर सकते हैं, डिसेबल कर सकते हैं। ऑलरेडी यहाँ पर देखिए डिसेबल्स है, मैं इसको चलिए इनेबल कर देता हूँ।
और मैंने डिसेबल करना पिछली वीडियो में बताया था, और वाईफाई मॉड्यूल बाय डिफ़ॉल्ट ऐसे ही रहने देते हैं हम इसको। और यहाँ से देखिए अप्लाई बटन है, अप्लाई पे हम क्लिक कर देंगे और यहाँ पे कंफर्म हमसे पूछा जा रहा है कंफर्म करने के लिए। कंफर्म करेंगे तो हमारा जो वाईफाई का मॉड्यूल है वो एक बार रिस्टार्ट होगा, देन डिसकनेक्शन हो जाएगी इंटरनेट की। और इससे क्या होगा कि हम आगे की प्रोसेस देखेंगे। चलिए रिस्टार्ट करते हैं इसको ओके करके। थोड़ी देर वक्त लग सकता है दोस्तों, ये वेटिंग प्रोसेस में अभी। और यहाँ से जैसे ही रिस्टार्ट होगा मेरा वाईफाई ऑटोमेटिक डिसकनेक्ट हो जाएगा। फिर कनेक्ट कराने के लिए हमें यूज़र नेम सर्च करना होगा और हमने जो पासवर्ड चेंज किया है उसको। तो चलिए यहाँ से मैंने क्लिक करा और देखिए यहाँ पे रणवीर शाही आ गया। और रणवीर शाही पे क्लिक करने पे बाद कनेक्ट ऑप्शन पे कनेक्ट करना है। यहाँ पे हमसे पासवर्ड पूछा जा रहा है तो मैं वही पासवर्ड दूंगा जो अभी मैंने चेंज करा है पासवर्ड। चलिए मैं पासवर्ड दे देता हूँ और यहाँ से मैं नेक्स्ट करता हूँ। नेक्स्ट करते ही यहाँ पे देखेंगे, अब देखिए हेलो हो रहा है, आइडेंटिफाई हो रहा है, और क्या नो इंटरनेट एक्सेस। अभी यहाँ पे इंटरनेट एक्सेस आपको कुछ दिख रहा है और यहाँ दिख रही है, देखिए आप कनेक्टेड सिक्योर्ड या, और यहाँ देखिए वेबपेजेज ऑटोमेटिक ये कनेक्ट हो गया मेरा। यहाँ पे स्टोरेज की कुछ सेटिंग्स होती है, जैसे स्टोरेज अकाउंट्स डिसेबल है। एक्चुअली क्या होता है कि जो राउटर्स होते हैं उसमें कुछ इंटरनेट की स्टोरेज होती है, कुछ लोकल स्टोरेज होती है, कुछ वाईफाई स्टोरेज होती है। बहुत सारे राउटर्स में एसडी कार्ड स्लॉट भी होता है जिसके ज़रिए आप बहुत सारे डेटा को वहाँ पे मैनेज कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। और भी सेटिंग्स है यूज़र मैनेजमेंट, यहाँ से यूज़र मैनेजमेंट में क्या हो सकता है कि जैसे यूज़र नेम क्या है, टेक सोल्यूशन, जैसे यूज़र आईडी और पासवर्ड, तो एक्चुअली यहाँ पे पासवर्ड दे सकते हैं। और पासवर्ड देने के बाद चाहे तो आप उसको चेंज कर सकते हैं, न्यू पासवर्ड कर सकते हैं, कंफर्म कर सकते हैं। जैसे मैंने शुरू में कहा कि आपको सबसे पहले जो राइट साइड में आपको लॉगिन ऑप्शन है उस लॉगिन को यूज़र आईडी और यूज़र पासवर्ड यहाँ से ऑलरेडी चेंजेस आप कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। तो इस तरीके से चेंज करके यहाँ से सेटिंग्स को अप्लाई कर सकते हैं। लैंग्वेज यहाँ से चेंज कर सकते हैं, इंग्लिश बाय डिफ़ॉल्ट है। और डिवाइस सेटिंग्स मैनेजमेंट, सेशन टाइम आउट 5 मिनट्स, और बहुत सारे ऑप्शंस हैं। तो चलिए यूज़र आईडी चलिए हम चेंज कर देते हैं, यहाँ से टेक सॉल्यूशन है तो इसको भी मैं यहाँ से अपना नाम दे देता हूँ। रणवीर शाही पासवर्ड दे देता हूँ। चलिए और यहाँ से मैं न्यू पासवर्ड कर देता हूँ। और मैंने यहाँ पे कंफर्म करा और यहाँ से अप्लाई करता हूँ। चलिए देखिए ये कह रहा है कि पासवर्ड को करेक्ट एंटर करिए, तो इसलिए अप्लाई सेटिंग सक्सेस, सेटिंग अप्लाई सक्सेस हो गया। और अब यहाँ देखिए अभी ये क्या हो गया, डिसकनेक्ट हो गया। अब यहाँ से फिर हमें लॉगिन करना होगा और लॉगिन करने के लिए हमें यहाँ से नाम चेंज करने होंगे। और मैंने नाम जो अपना अभी चेंज किया है मैं उसको यहाँ से एंटर कर दे रहा हूँ और पासवर्ड भी मैं बदल दे रहा हूँ। अब मैं यहाँ से लॉगिन करता हूँ। लॉगिन करते ही देखिए यहाँ से सारी सेटिंग्स आ गई ऑटोमेटिक, लॉगआउट का ऑप्शन भी आ गया। वाईफाई डेक्स के अंदर एसडी कार्ड नॉट एग्जिस्ट, वाईफाई डेक्स डिस्क में यहाँ से एसडी कार्ड स्लॉट होती है जो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। और भी इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं नेक्स्ट वीडियो में लेके आने वाला हूँ। तो आज की वीडियो में मैंने देखिए यहाँ पे सेटिंग्स में नेटवर्क्स सेटिंग्स है जहाँ से आप आईपी एड्रेस जान सकते हैं अपने राउटर्स का, और मैक फिल्ट्रेशन, वाईफाई में आप एसएसआईडी नेम चेंज कर सकते हैं, इसकी एसएसआईडी की सिक्योरिटी यहाँ से चेंज कर सकते हैं, एसएसआईडी ब्रॉडकास्ट को डिसेबल या इनेबल मतलब नेटवर्क्स नेम को हाइड कर सकते हैं, अनहाइड कर सकते हैं। और स्टोरेज के अंदर स्टोरेज भी, और यूज़र मैनेजमेंट में आप लॉगिन आईडी और पासवर्ड को भी चेंज कर सकते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों किसी भी राउटर्स में आप
लगभग कुछ इसी तरीके की सेटिंग्स होती है, बस इतना फ़र्क हो सकता है कि इसकी जो लेआउट है, वेब पेजेस की लेआउट है, ये अलग अलग जगहों पे दिया जा सकता है। सेटिंग कुछ इस तरीके के दे रही है, हॉरिजॉन्टल तो हो सकता है कहीं वर्टिकल टाइप में दिया हो सेटिंग्स, तो कुछ चेंजेस हो सकते हैं। बट ये जो वाई जियो फाई है, इसकी कुछ लेआउट इसी तरीके से, और लगभग सेटिंग्स नेटवर्क्स, वाईफाई, वाईफाई की जगह वायरलेस भी हो सकता है। तो तरह तरह के वाईफाई राउटर्स में तरह तरह के ऑप्शंस होते हैं, बट सारे ऑप्शंस में जो सेटिंग्स होते हैं वो लगभग एक ही जैसे होते हैं। तो किसी भी राउटर की सेटिंग कॉन्फ़िगरेशन इस तरीके से आप कर सकते हैं दोस्तों। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, और साथ ही साथ बता दूं कि आप देख रहे हैं टेक सॉल्यूशन यूट्यूब चैनल की तरफ से, और सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों के साथ शेयर करिए। देखिए ये मेरा टेक सॉल्यूशन चैनल है, और यहाँ से रेड कलर में सब्सक्रिप्शन बटन है, इससे आपको ये फ़ायदे होंगे कि आप हमारी हर वीडियो की अपडेट आप तक पहुँचती रहेगी। और लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अगर कोई आपको प्रॉब्लम हो, आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा हो अगर मेरी बात, तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे फेसबुक, इंस्टाग्राम, स्काइपी, ब्लॉग स्पॉट, आप मेरे अबाउट में जा सकते हैं, और मेरे डिस्क्रिप्शन में आपको मेरे सोशल नेटवर्क्स की भी कुछ लिंक्स हैं, जिसके ज़रिए जैसे यहाँ पे देखिए आप, इसके ज़रिए हमें आप कांटेक्ट कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं दोस्तों। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले ट्यूटोरियल में, तब तक के लिए धन्यवाद।